Friends, myself Ravi Bhardwaj, and you are watching my YouTube channel CSC Tutes for You. That means Computer Science and Engineering Tutorials for You. So friends, in this tutorial we will discuss about the computer network. So friend, computer network क्या होता है? इस टॉपिक को हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं नेटवर्क क्या होता है. नेटवर्क दैट मीन्स किसी भी दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करना. कनेक्ट हम कई प्रकार से कर सकते हैं. या तो हम लोग दो डिवाइसों को वायर के जरिए कनेक्ट करेंगे या तो वायरलेस तरीके से कनेक्ट करेंगे. मिनिमम कम से कम दो डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करना क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है. तो कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब यही है कि हम किसी भी प्रकार से दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट कर जो उसके बीच इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन डेटा का शेयर करेंगे तो वो चीज कहलाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क. तो जैसे आपको इस डायग्राम में बताया हुआ है यहाँ पर ये बहुत सारे कंप्यूटर्स हैं जो वर्ल्ड वाइड वेब के थ्रू आपस में कनेक्ट है और इंफॉर्मेशन का कम्युनिकेशन कर रहे हैं. ये चीज कहलाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क. नेक्स्ट हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क. कंप्यूटर नेटवर्क की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है? जैसे देखिए दिया हुआ है शेयरिंग रिसोर्सेज फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर. मतलब एक कंप्यूटर के रिसोर्सेस को किसी दूसरे कंप्यूटर के थ्रू शेयर करना, एक्सेस करना, मतलब इंफॉर्मेशन को दो डिवाइसों के बीच में कम्युनिकेशन करना, ये चीज कहलाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क. सेकंड क्या बोल रहा है? क्रिएटिंग फाइल एंड स्टोर देम इन वन कंप्यूटर, एक्सेस दोज फाइल फ्रॉम दी अदर कंप्यूटर कनेक्टेड ओवर दी नेटवर्क. मतलब अगर दो कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, अगर हम एक सिस्टम पे किसी भी फाइल को बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसे स्टोर करते हैं, देन हम किसी दूसरे कंप्यूटर के थ्रू उस फाइल को एक्सेस कर सकते हैं. थर्ड क्या बोल रहा है? कनेक्ट ए प्रिंटर, स्कैनर और ए फैक्स मशीन टू वन कंप्यूटर विद इन द नेटवर्क एंड लेट अदर कंप्यूटर्स ऑफ द नेटवर्क यूज द मशीन अवेलेबल ओवर द नेटवर्क. दैट मीन्स अगर जैसे कि हमारा कंप्यूटर है, कंप्यूटर में जैसे कि प्रिंटर, स्कैनर या दूसरे फैक्स मशीन अगर हमारे नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग एक कंप्यूटर से किसी दूसरे कंप्यूटर पे इन डिवाइसों को शेयर करके आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं. ये सारा चीज कहलाता है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क. नेक्स्ट देखते हैं फॉलोइंग जो हमारे हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को बनाने के लिए, वो क्या क्या होते हैं. तो देयर आर फोर काइंड्स ऑफ हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू सेट अप ए कंप्यूटर नेटवर्क. फर्स्ट होता है नेटवर्क केबल. नेटवर्क केबल मतलब वो मीडियम होगा जिसके थ्रू हम लोग दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करेंगे. तो वो हम या तो केबल के थ्रू भी कर सकते हैं या तो वायरलेस तरीके से भी कर सकते हैं. तो हमें वहां पर नेटवर्क केबल की जरूरत होगी. सेकेंड होता है सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस. सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस वो डिवाइस होता है जो डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसों को आपस में केबल्स के थ्रू जोड़ता है. तो वहाँ पर सेंट्रल कनेक्टिंग डिवाइस कई टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, गेटवे एक्सेट्रा, और भी बहुत सारे डिवाइस होते हैं. इन डिवाइसों का यूज हम लोग कर सकते हैं दो या दो से अधिक डिवाइसों को आपस में कनेक्ट करने के लिए. नेक्स्ट होता है NIC, मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड. NIC एक लैन कार्ड होता है जो हमें सिस्टम पे नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एक फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है. एक चिप होता है जो मदरबोर्ड से कनेक्ट होता है और दो डिवाइसों को जोड़ने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड कराता है नेटवर्क और हमारे कंप्यूटर्स के बीच में. नेक्स्ट होता है नोड. नोड मतलब क्या? हमारा कंप्यूटर जिस पे हमको इंटरनेट या नेटवर्क कनेक्ट करना है. तो ये चार हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं जो रिक्वायर होते हैं किसी भी कंप्यूटर नेटवर्क को डेवलप करने के लिए. सो फ्रेंड्स, इस ट्यूटोरियल में हमने कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में देखा कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, वो क्या टास्क परफॉर्म करता है और उसको नेटवर्क को बनाने के लिए हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है. आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम लोग कम्युनिकेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे. सो फ्रेंड्स, आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस को देखना बिल्कुल ना भूलें. सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.